झांसी में बीते दिनों एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई जरूर की, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनको लेकर झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया। 4 साल तक बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पीड़िता ने कई महिलाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के अनुसार उसे कुछ दबंग लोग 4 साल से बंधक बनाकर दुष्कर्म करते रहे। किसी तरह वह दबंगों के चंगुल से छूट कर आई, जिसके बाद 16 जून को उसने प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 21 जून को उसके 164 के तहत कलम बंद बयान भी हो गए, जिसमें उसने सारे आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी की पकड़ी जबकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों में से एक बहुजन समाज पार्टी का नेता है, जो अब उसे राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। साथ ही पीड़िता को धमकी भी दिए जाने का आरोप लगा है। क्या मामला है? मेरा 8 वर्ष का मुझे 4 साल से बंधक बनाए हुए था, और उसमें से 8 वर्ष का तो सरकार के कप्तान साहब की उससे वो गिरफ्तार हो गया, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। समी उसके माँ बाप भाई है, समीम खान वो बहुजन समाज पार्टी का नेता है, इसीलिए वो बहुत बड़ा आदमी है। वो गिरफ्तार वो कह रहा है 2 लाख रुपये खबर भिजवा ली, 2 लाख रुपये ले लो, नहीं तो हम आम लोग बहुजन पार्टी के नेता हैं, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होगी, हमारा कुछ नहीं होगा। क्या किया था उसने? गंदा काम की भारत बंद सरकार भी करता था, और ये समीम खान ने भी गंदा काम। अब ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, उन लोग को गिरफ्तार भी नहीं हुआ, बस भारत बंद। झांसी से आर्यन शर्मा के साथ रवि प्रहार की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।